हेलो दोस्तों, नमस्कार। देव क्लासेस स्पेशल में आपका स्वागत है। पहले हमारा चैनल देव क्लासेस के नाम था, लेकिन अब इसमें कुछ खास क्वालिटी और कुछ स्टाफ को बढ़ाते हुए इस चैनल को कुछ स्पेशल बनाया गया है। और आशा करते हैं हमारा चैनल इसी नाम से आगे रजिस्टर्ड भी होगा, इसलिए हमारे क्लासेस का नाम हो गया देव क्लासेस स्पेशल। इस पर हम लोग सीटेट और यूपीटीटी की स्पेशल तैयारी करवाते हैं, और सीटेट और यूपीटीटी से जुड़े हुए सारे सब्जेक्टों का बेस्ट सलूशन आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो अतः आप हमारी किसी भी क्लास को मिस ना करें। और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं टीटी के सारे पेपर। टीटी की शुरुआत 2011 से हुई थी, तो 2011 से लेकर 2017 तक के जितने भी पेपर सेट हैं सारे पेपर सेट हल करवाए जाएंगे पूरी व्याख्या के साथ में। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और अगर पेपर सेट को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप उसको कमेंट करें, वो चीज़ आपको बताई भी जाएगी। आज का हमारा जो पेपर है वो है सन 2017 से। हम लोग उल्टा चलेंगे, सन 2017 से सन 2011 तक। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9919425442। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी स्टडी मटेरियल आपको अपने मोबाइल पे प्रोवाइड हो, तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और एड्रेस। जितने भी पीडीएफ अपने पास अवेलेबल है, बेस्ट से बेस्ट सलूशन वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें से कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और हमारा चैनल अगर आपको पसंद आता है आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। यह पेपर सेट 15 अक्टूबर 2017 में आया हुआ था। ये पेपर सेट कक्षा 1 से 5 तक के लिए पूछा गया था यूपीटीटी 2017 में 15 अक्टूबर को। इस पेपर सेट को हम आज लगभग पूरा हल करेंगे, बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी इस क्लास में उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। चलते हैं आज के सब्जेक्ट की तरफ। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा बाल विकास के अंतर्गत। बाल विकास में सबसे पहला प्रश्न है सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है वह कहलाती है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। यह प्रगति आपकी सीखने का पठार कहलाती है, अतः इसका 2 नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला है हमारा बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। बुद्धि लब्धि के लिए हमारे यहाँ 4 सूत्र दिए गए हैं। पहला मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, दूसरा वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु, तीसरा मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, चौथा है वास्तविक आयु इंटू मानसिक आयु। इसमें से जो आपका सही है वो तीसरा नंबर है। बुद्धि लब्धि निकालने का जो भी सूत्र होगा वो होगा तीसरा आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तीसरा प्रश्न सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत को किसने दिया था। इसे हम लोग कई वीडियो में और भी बता चुके हैं आपको। ये हमारा थार्नडाइक है, थार्नडाइक का ही सिद्धांत है प्रयास या भूल का, और ऐसे याद करिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला हमारा सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जुड़े होते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के 23 जुड़े होते हैं, अतः इसमें हमारा 2 नंबर बिल्कुल सही होगा। 5वां नंबर हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। क्रिया प्रसूत ये चीज़ें भी हम लोग पहले करवा चुके हैं, इसमें आपका होगा स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कोहलर का संबंध हमारा अधिगम के सिद्धांत से है। कोहलर निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो कोहलर का संबंध अधिगम के सिद्धांत से है, तथा इसमें 4 नंबर बिल्कुल सही होगा। 7वां नंबर है हमारा बुद्धि के तरल एवं ठोस का सिद्धांत था। यह बुद्धि के तरल क्रिस्टली तरल ठोस प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। ये आपका पहला नंबर बिल्कुल सही होगा, केटल।
केटल ने बुद्धि की तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन किया था। आठवां नंबर है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किस किस सुधार हेतु किया जाता है। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। नंबर तीन इसके बिल्कुल सही होगा, सृजनात्मकता। अगला है हमारा गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। गोलमैन एक बार गेस करिए आप लोग, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और अगला है समान बुद्धि। इस पे आपका गोलमैन में दूसरा नंबर बिल्कुल सही होगा, संवेगात्मक बुद्धि। अगला हमारा गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। गोलमैन का संबंध संवेगात्मक बुद्धि से है, ये बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर हमारा दसवां, निम्नलिखित में से कौन शेष से भिन्न है। शेष से भिन्न एक पहला नंबर है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत और समानवीकरण का सिद्धांत, ये एक दूसरे से संबंधित हैं, जबकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत ये तीनों से अलग है, अतः इसका यही सही होगा। ग्यारहवां नंबर, इसमें संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है। पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण। इसमें ज्ञान बिल्कुल सही होगा, पहला नंबर इसका सही है। चौथा है एक बालक जो बाइक साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना जानता है, इसका उदाहरण क्या है। ये ऊर्ध्व अधिगम अंतरण के अंतर्गत आता है, अतः इसमें दो नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर है तेरह, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अधिगम का पठार इसमें प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा और ज्ञान सीमा, ये तीनों अधिगम के अंतर्गत हैं। लेकिन जो दूसरा है इसमें विद्यालय का असहयोग, ये इसमें बिल्कुल सही होगा क्योंकि इस पर पठार का कारण नहीं है पूछा गया है। चौदह नंबर है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन गेट्स के द्वारा दिया गया था, अतः इसमें पहला नंबर बिल्कुल सही होगा। पंद्रह नंबर, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है, अतः इसमें तीसरा नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला है हमारा सोलह नंबर, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। सोलह नंबर में अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व व्यक्ति का वर्गीकरण किसने किया, ये है जुंग ने किया। सत्रह नंबर है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक परिवेश, जन तत्व, दूसरा नंबर इसका बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, अतः आप इसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए। चलते हैं इसी क्रम में आगे, अठारहवां नंबर है हमारा, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। इसमें इसका तीसरा नंबर बिल्कुल सही होगा, द्रुतगामी विकास का नियम, शारीरिक विकास का एक नियम ये भी है। उन्नीसवां नंबर हमारा, निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, योगा आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं है, था इसमें एक नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर है बीसवां नंबर, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसने दिया था, ये कथन आपको गेसेल ने दिया था, अतः इसमें पहला नंबर बिल्कुल सही होगा। इक्कीसवां नंबर है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। नंबर एक ड्रेवल, नंबर दो मैकडूगल, नंबर तीन थार्नडाइक, नंबर चार वुडवर्थ। इसमें दूसरा नंबर बिल्कुल सही होगा, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूगल ने वर्गीकृत किया है। बाईसवां नंबर है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है।
इस पे दूसरा नंबर आपका सही होगा रास का। 23वां नंबर है, निम्नलिखित से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं होता है? बहु अनुक्रिया का नियम, यह सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। 24 नंबर है, 12 वर्षों से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ये आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण है, दूसरा नंबर बिल्कुल सही होगा। 25वां नंबर है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये है आपके स्पीयरमैन ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है 26वें नंबर का, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। दूसरा है सीखने का क्रियाशील अनुबंधन सिद्धांत। तीसरा है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत। ये सारे युग्म बिल्कुल सही हैं, लेकिन चौथा जो सीखने का समग्र सिद्धांत है जो हल ने दिया है, ये आपका गलत है। अतः ये नंबर हमारा सही होगा यहाँ पर, चौथा नंबर। अगला 27वां है, इनमें से किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रास, वुडवर्थ। इसमें आपका गाल्टन दूसरा नंबर बिल्कुल सही है। अगला है आपका, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? यह आपका पहला नंबर सही होगा, क्रेस्मर ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। इससे अगला है आपका, अब सीधे हिंदी भाषा की तरफ चलते हैं हम लोग। निमिष शब्द का पर्याय है, निमिष शब्द का पर्याय है 31 नंबर। आपका निमिष का मतलब क्षण होता है, अतः निमिष शब्द का पर्यायवाची क्षण होगा। अगला है, मुझसे उठा नहीं गया वाक में वाक है, कैसा वाक है? यह आपका भाववाच दिखाता है। 33 नंबर, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो इसके लिए कोई एक शब्द अप्रत्याशित, दूसरा नंबर इसका बिल्कुल सही है। 34वां नंबर में है, गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? गोधूम का मतलब गेहूं होता है, अतः इसका तद्भव गेहूं होगा। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निष्कपट का होगा निकपट, इसका पहला नंबर बिल्कुल सही होगा। 36वां नंबर, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? 36 नंबर में पहला अनुग्रहित, दूसरा अनुग्रहित, तीसरा अनुग्रहित और चौथा अनुग्रहित। इसमें दूसरा नंबर बिल्कुल सही होगा, अनुग्रहित। 37 नंबर है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण क्या होगा? अपेक्षित। सा ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है? सा ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? ये तालु के द्वारा होता है, तो इसमें तीसरा नंबर को सही होगा। अंत्यदय शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है, यह आपका अंत्यदय शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग होगा अति, चौथा नंबर बिल्कुल सही होगा इसमें। 40 नंबर है, उपत्यका का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है, इसमें चौथा नंबर बिल्कुल सही होगा। अंगा का उच्चारण स्थान होता है, ये आपका नासिक होता है, मतलब हम इसे नासिक नाक के द्वारा ही बोल सकते हैं, अतः इसका नासिक होगा। अगला है आपका, चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? चार गज मलमल में, यस, यहाँ आपकी परमाण की विषय बात हो रही है, चार गज मलमल, अतः यहाँ पे परमाण बोधक होगा। शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप 43 नंबर में, शीश का आपका हो जाएगा शीर्ष। चौराहा शब्द में समास कौन सा होगा? इस पर हो जाएगा आपको चौराहा, चार रास्तों का समूह है, इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा। अब हम आज के वीडियो आप यहीं समाप्त करते हैं, इसका दूसरा भाग आपको मिल जाएगा अगला। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी लोगों को शेयर भी करें।